सब्सक्राइब कीजिए बैंकिंग गुरु जी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। बैंकिंग गुरु जी चैनल के एक और फ्रेश और स्वीट एंड शॉर्ट एपिसोड में मैं स्वप्निल आप सभी का स्वागत करता हूं। मान लो मैं आपको 1000 रुपए दे देता हूं, तो आप इस 1000 रुपए से क्या क्या करोगे? कोई कहेगा 1000 रुपए का मैं एक अच्छे से होटल में जाकर पेट भर के खाना खा सकूंगा, या फिर कोई पीवीआर में जाकर पद्मावत फिल्म देख लेगा इस 1000 रुपए से, या फिर कोई यूट्यूबर ही कहेगा इस 1000 रुपए का भाई मैं तो एक अच्छा माइक ले लूंगा जिससे मैं अच्छा सा वीडियो रिकॉर्ड करूं और जल्द से जल्द यूट्यूब पे पोस्ट करूं। मगर क्या आपको पता है इस 1000 रुपए से हम अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं? इसी 1000 रुपए से हम अपने खुद का घर या फिर खुद की कार जैसे एक बड़े सपने को साकार कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल भी ठीक सुना आपने, क्योंकि एक सिस्टमैटिक सेविंग बिहेवियर ही आपको इस 1000 रुपए से अपने जितने भी सपने हैं वो आप साकार कर सकते हैं। और इसी के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है जिसे हम और आप कहते हैं SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ये एक बेहतरीन तरीका है जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट को एक बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये पता लगेगा कि SIP आप जैसे और मुझ जैसे एक मिडिल क्लास बंदे को आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ कितना यूजफुल साबित होता है। मान लो दो दोस्त है जिनका नाम है मनीष और अमोल। मनीष ने एट द एज ऑफ 24 सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP में इन्वेस्ट करने को शुरू कर दिया। मगर इसी बात पर अमोल ने सोचा, यार अभी कहाँ इन्वेस्ट करना शुरू करूँ, अभी तो जॉब लगी है, अभी मजे करने के दिन है, इन्वेस्टमेंट तो बाद में होता रहेगा। तो अमोल ने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 39। मनीष ने हर महीने 5000 रुपए इन्वेस्ट किए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए अगले 180 महीनों तक, यानी जब उसने अपनी SIP स्टॉप कर दी तब उसकी एज थी 39 इयर्स। दूसरी तरफ अमोल ने लेट इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बावजूद 20,000 पर मंथ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और अमोल ने अपनी SIP स्टॉप की एट द एज ऑफ 60। अब इन 180 मंथ्स के टेन्योर में मनीष ने हर महीने 5000 के हिसाब से टोटल 9,00,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। दूसरी तरफ 252 मंथ्स इन्वेस्ट करके अमोल का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 50,40,000 रुपीज। मगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यानी ये दोनों जब 60 साल के हो जाएंगे उस वक्त 15% पर एनम के हिसाब से अमोल को मिलेंगे 3,50,00,000 रुपए और मनीष को मिलेंगे 6,29,00,000 रुपए। जी हाँ, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लेवल पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा आपका टेन्योर मैटर करता है, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त आपका पैसा मार्केट में लगा है उतना ज्यादा रिटर्न ड्यू टू पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको मिलता है। सो एज आई ऑलवेज से इन केस ऑफ SIP, अर्ली एज इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड इज ऑलवेज बेनिफिशियरी टू एवरीवन। मगर आपके इस इन्वेस्टमेंट को बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से कैसे बचाया जा सकता है, ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। और ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की मदद से। यानी जब बाजार बढ़ता है तो NAV ज्यादा होने के कारण हमें कम यूनिट्स मिलते हैं, और दूसरी तरफ जब बाजार घटता है तो दाम कम होने के कारण हमें यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने SIP स्टार्ट की पर मंथ 1000 रुपए से, जिसमें से आपको मिले 100 यूनिट, तो इसमें NAV हुआ 10 रुपए। अगर आगे चलकर NAV 11 हुई तो आपको मिलेंगे 19.91 यूनिट्स। NAV 14 हो गई तो 71.43 यूनिट्स। सो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे NAV बढ़ रही है वैसे वैसे कम यूनिट्स आपको मिल रहे हैं। आपको ज्यादा यूनिट्स तब मिलेंगे जब NAV घटकर 9 पर आ जाएगी। यानी अगर NAV 9 पर आ गई तो आपको 111.11 यूनिट्स मिलेंगे। सो इस एक साल में 12,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर और 12 के एवरेज कॉस्ट के ऊपर आपने कुल मिला के 931.62 यानी 932 यूनिट्स खरीदे। सो बिल्कुल इसी तरह खरीद की एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है और एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके आप अपना बड़े से बड़ा फाइनेंशियल गोल जो है वो बिल्कुल आसानी से अचीव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के जरिए मैंने फाइनेंशियल गोल को SIP के थ्रू कैसे अचीव करना है ये सभी बातें आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको मेरी बातें, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज जो नीचे लाइक बटन है उसको दबा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फटाफट व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, फेसबुक, ट्विटर, जहां पर भी आप शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब जो नीचे लाल बटन है उसको दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।